नमस्कार दोस्तों, फिर से ग्रैंडटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं आपके साथ अजय कुमार। आज हम लोग खास तौर से ये बात करने वाले हैं कि ज़मीन का जो नाप है, ज़मीन का जो मापी करते हैं अमीन, वो कम होता है या बेसी होता है, यानी कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अमीन को घोष दे देते हैं, अमीन को कुछ पैसे दे देते हैं तो आपकी ज़मीन घटा कर उनके नाम कर देते हैं। चाहे आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं तो 1.5 कट्ठा कह के, चाहे 1 कट्ठा कह के, चाहे 1 बीघा कह के आपको ज़मीन कुछ कम मिलता है। तो आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के दौरान, अगर आप इस तरह के कोई उलझन से फंसे हुए हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको अब इस वीडियो पर बताने वाला है कि 1 कट्ठा का माप कितनी होती है, फीट में, मीटर में, गज में या कड़ी में, और 2 कट्ठा की सब विषय पर बात करेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहें, चलिए देखते हैं। मैं कॉपी और कलम से आपको समझाने वाला हूँ कि 1.5 कट्ठा ज़मीन या 1 कट्ठा ज़मीन या 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन का लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। कॉपी पेन लेके हाजिर है, आपको हम बताने वाले हैं कि आप 1.5 कट्ठा ज़मीन का रकबा कैसे निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हम बताना चाहते हैं ग्राफ के अनुसार कि आपका ये ज़मीन है, आप इस ज़मीन को खरीदे हैं, चाहे अपना है, चाहे आपको कहीं से भाग से मिला है, तो आपको कहा गया है कि ये ज़मीन जो है 1.5 कट्ठा है। कितना है? 1.5 कट्ठा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ज़मीन 1.5 कट्ठा है या नहीं है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। कि कमेंट में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये सवाल किया है कि 1.5 कट्ठा ज़मीन का कितना स्क्वायर फीट क्षेत्रफल होगा। दोस्तों, आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि 1.5 कट्ठा ज़मीन का जो क्षेत्रफल निकालना आपको है, तो देखिए भारत के हर जगह पर अलग अलग हाथ की लगी है। तो अगर आपके यहाँ अगर 4 हाथ की लगी है, लगी अगर 4 हाथ की है, तो आपका जो 1 धुर का जो मान होगा, पहले आपको 1 धुर का मान ज्ञात करना है कि 1 धुर आपका कितना स्क्वायर फीट में होगा। अगर आपका 4 हाथ की लगी है तो 36 स्क्वायर फीट में, 36 स्क्वायर फीट यानी 36 फीट स्क्वायर में 1 धुर का मान होगा, ठीक है। अगर 4 हाथ की लगी है तो, अगर 5 हाथ की है तो थोड़ा अधिक होगा, 6 हाथ की है तो और अधिक होगा। तो आप लगी का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपका हाथ लगी 4 हाथ का है तो आपको इसको 4 से 1.5 को गुना करना है, जितना आएगा भाग गुणनफल। चलिए आपके सामने हम गुना करते हैं, 1.5 गुना 4, 4 5 20 के 0 हाथ में रहा, 2 4 के 4 और 2 6, यानी 6 आया मेरा ये गुणनफल, ठीक है। जितनी हाथ की लगी है उसमें 1.5 गुना करना है, जो गुणनफल आएगा उसको आपको वर्ग करना है, है नहीं, यानी 6 का वर्ग 6 गुना 6 यानी 36 फीट स्क्वायर जो है वो 1 धुर का मान है, यानी 1 धुर का मान 36 फीट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपका जो लगी होना चाहिए वो 4 हाथ का, ठीक है। अगर 4 हाथ का लगी है तो 36 फीट स्क्वायर में आपका 1 धुर जमीन के बराबर होगा। अगर आपका 5 हाथ का है तो 5 से आपको 1.5 को गुना करना है, जितना भागफल गुणनफल आएगा उसको फिर वर्ग करना है, जितना आपका वर्गफल आएगा वो आपका 1 धुर का मान होगा फीट स्क्वायर में, ठीक है। फिर आपको हम दूसरा बात बताना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि आपका अगर 1 कट्ठा ज़मीन है, आप क्वेश्चन पर अभी हम आए नहीं है, क्वेश्चन पर आने वाले हैं, तो इससे पहले आपको कुछ हम ट्रिक बताने वाले हैं, इससे क्या होगा, आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा और आप आसान तरीका से किसी भी ज़मीन का रकबा निकाल सकते हैं। अगर 1 कट्ठा ज़मीन है आपका, 1 कट्ठा ज़मीन है तो 1 कट्ठा ज़मीन का जो होता है वो 20 धुर जमीन के बराबर होता है, यानी 20 धुर बराबर 1 कट्ठा, ठीक है, 20 धुर बराबर 1 कट्ठा। तो 1 धुर में मेरा 36 स्क्वायर फीट होता है, वो होता है 4 हाथ की लगी से। आपको बार बार ध्यान देना है कि लगी कितना हाथ का है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जमीन नापी के लिए। तो हमारा 4 हाथ का लगी है, तो 4 हाथ का लगी में 36 फीट स्क्वायर में 1 धुर होगा, तो 1 धुर में 36 फीट स्क्वायर, तो 20 धुर में, तो 36
गुना 20, आप अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 720 फीट स्क्वायर आएगा, यानी एक कट्ठा जमीन के बराबर 720 फीट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पर जाते हैं। जो हमारा दोस्त बिहार का दोस्त है, मेरा सब्सक्राइबर भी है और हमें बार बार कमेंट बॉक्स पर लिखा है कि सर मेरा जो ज़मीन है वो एक डेढ़ कट्ठा हम ज़मीन खरीदे हैं जो रोड के किनारे है, तो वो ज़मीन हम कैसे मापेंगे कि वो डेढ़ कट्ठा ज़मीन है, कैसे हम जान पाएंगे? तो आपको हम बताने चाहते हैं, अगर आपका ज़मीन अगर इस तरह चतुर्भुज आकार का है तो इस तरह चतुर्भुज आकार का हम ज़मीन के बारे में बताना चाह रहे हैं। अगर त्रिभुज आकार का है तो उसका क्षेत्रफल कुछ अलग से तरीका से निकलेगा। अगर इस तरह आपका चतुर्भुज आकार का है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको हम बताना चाहते हैं। चलिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि आपका तो हम लगी का मान नहीं जानते हैं, लगी का मान हम सिर्फ मान लेते हैं कि चार हाथ का लगी आपके वहाँ चल रहा है, ये मान रहे हैं, ये आपको डिफिनेट हम नहीं बोल रहे हैं कि आपका चार हाथ का ही लगी चलता है। चलिए, चार हाथ के लगी से, चार हाथ का अगर लगी हो, चार हाथ का अगर लगी हो तो 720 फीट स्क्वायर में एक कट्ठा जमीन के बराबर होगा। ठीक है, तो आपके पास वहाँ डेढ़ कट्ठा जमीन है तो 1.1/2 कट्ठा। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि डेढ़ कट्ठा में कितना धूर हो रहा है, एक कट्ठा में 20 धूर, एक कट्ठा में 20 धूर और प्लस हाफ कट्ठा में 10 धूर, यानी टोटल आपका जमीन जो है वो 30 धूर जमीन है। कितना धूर जमीन है? 30 धूर। तो आपको एक धूर में हम यहाँ निकाले थे, हम क्या निकाले थे कि एक धूर जो जमीन होगा 36 फीट स्क्वायर के बराबर होगा, तो एक धूर में 36 फीट स्क्वायर। ठीक है, तो 30 धूर में 36 गुना 30, यहाँ 36 और 30 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 और 30 को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा आपको हम दिखा रहे हैं। 36 और 30 00, 3 6 18, हाथ मेरा 1, 3 3 9 10, यानी 1080 फीट स्क्वायर। अगर आपका 1080 फीट स्क्वायर अगर आपका ज़मीन है तो आपका ज़मीन डेढ़ कट्ठा है। तो आपको मापना किस तरह है, आप फीट से मापें, क्योंकि कड़ी सबके पास नहीं होता है, फीट सबके पास होता है, नहीं तो आप एक फीट का इंच जो मिलता है मार्केट में बाजार में तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपका ये लंबाई चौड़ाई, अगर आप ये लंबाई मापते हैं, लंबाई और चौड़ाई, चलिए हम ए और बी मान लेते हैं, अगर आप लंबाई और चौड़ाई जैसे ए गुना बी करते हैं, अगर आपका आ जाता है 1080 फीट स्क्वायर, ठीक है, अगर आता है 1080 फीट स्क्वायर, 1080 फीट स्क्वायर, तो आपका 30 धूर जमीन होगा जो डेढ़ कट्ठा के बराबर होगा। हाँ, आपको हम ये भी बात बताना चाहते हैं कि अगर 1070 भी आ गया तो आप लगभग में डेढ़ कट्ठा ज़मीन मान सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा आता है तो पर भी सही है, 10-5 कम आ रहा है तो पर भी सही है, क्योंकि देखिए ज़मीन का जो माप होता है अगर आप सही तरीका से नापेंगे तो सही आएगा। अगर आप थोड़ा घटा बढ़ा कर लेते हैं सीमा से, जो आपका सीमा बना हुआ है वहाँ से कुछ घटा बढ़ा कर लेते हैं, चाहे फीता आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो आपका ज़मीन का जो रकबा है वो घटेगा बढ़ेगा। तो ये छोटी सी बात थी जो हमें कमेंट बॉक्स पर बराबर बात पूछा जा रहा था, तो हमने सोचा कि नहीं, इसके लिए वीडियो हमको बनाना चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी था। आप मुझे कमेंट किया, आपके लिए हम आंसर दिए। अगर हो सके तो फिर से आप चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, आप नए चैनल हैं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो वहाँ लगी चलता है कितनी हाथ की है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी हाथ की लगी चलती है उसको आपको 1.5 से गुना करना है, जो गुणनफल आएगा उसका वर्ग करना है, जितना वर्गफल आएगा वो आपका एक धूर जमीन के बराबर होगा। अगर आपको 30 धूर का निकालना है 30 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 40 धूर निकालना है 40 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको 60 धूर से निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। और एक बात आपको बताते हैं कि एक बीघा में जो आपका आएगा, एक बीघा जो होता है वो 20 कट्ठा में होता है, 20 कट्ठा में एक बीघा होता है। ठीक है, 20 कट्ठा में यानी 400 धूर बराबर आपका एक बीघा होगा। ठीक है, आप इस
को फिर से आप दोहराएं, आपने प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी तरीका से आपका इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अगला वीडियो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।